दोस्तों, फिश फार्मिंग के बारे में तो मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, आज मैं आपको क्रैब फार्मिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। आज मैं आपको ऐसे खेकड़े दिखाने वाला हूँ जो 7 महीने से 1 साल में 1 केजी से 2.5 केजी तक हो जाते हैं। जो छोटे क्रैब्स होते हैं वो 1,000 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं, और जो बड़े खेकड़े होते हैं वो 1,500 से 1,800 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से भी बिक जाते हैं। यानी कि 1 साल में 2.5 किलो होने वाले खेकड़े 2,500 के ऊपर भी बिक सकते हैं। आज मैं आपको आई से भी मिलाने वाला हूँ, आई जिनका असली नाम गुनाबाई है। गुनाबाई क्रैब्स के बिज़नेस के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा मशहूर है। इनके क्रैब्स बड़ी बड़ी 5-स्टार होटल्स में जाते हैं। मुंबई के जितने बड़े बड़े सी फूड रेस्टोरेंट्स हैं ये सभी इन्हीं से सी फूड लेते हैं। इतना ही नहीं, जो हाई क्वालिटी के क्रैब्स होते हैं उन्हें ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस वीडियो के लिए मैं प्रीतेश विलास पाटिल को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने इस तालाब के अंदर जाकर अपने गोप्रो और ड्रोन का इस्तेमाल करके ये वीडियो बनाया है। तो देखते रहिए, मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ आई है, ये इनका एक्चुअली में नाम गुनाबाई है और ये वाशी में आप बहुत सालों से क्रेप का खेकड़े का बिजनेस करते हो, तो आप तो बताएंगे कि आप ये खेकड़े का कब से करते हैं? बचपन से करता है हम खेकड़े का। अच्छा, मुझे मेरा नाम तो गुनाबाई सीताराम है। पहला नाम मुझे छोटे बस का गुनाबाई सीताराम भगत है। अच्छा, बचपन का। अब यही गाँव में शादी हुआ, बाप के साथ सीखा है बचपन से। तब यही गांव में शादी हुआ तो वही धंधा मेरे हाथ में रह गया। तो ये आपके आदत? हाँ, पितर का बिजनेस था। अच्छा, तब से करता है। ओढ़ी चलाने का, फली वो फली पर जाने का, पानी सूखेगा तो फली पर चलाने का। अच्छा, पानी भरते आएगा तो होड़ी होड़ी से चलाने का। अच्छा, मतलब होड़ी भी चलाने का और चिखल में फली भी चलाने का। अच्छा, जो भी मच्छी है, केकड़ा है, सिपी है, सब पूरा धंधा। झिंगा पान मोती का सिपी था पहला, वो भी डुबकी मार मार के निकलता था। अच्छा, मैंने देखा हूँ कि आप मट्टी में जाके ऐसे खेकड़े को पैरे का पकड़ लेते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? डर डरेगा तो बाद में खेकड़ा कैसे मिलेगा? बहुत हाथ तो बहुत कटा है, पूरा और नक ले वो भी छोड़ता नहीं मैं। मैंने कहा था जो खेकड़ा बैठा है ना उसके आगे से थोड़ा और चिखल डालने का उसके ऊपर, और उसको चिखल थोड़ा डाल के पीछे से उसको उठाने का। पीछे से उठाने? हाँ। कभी ऐसा हुआ कि आप खेकड़ा पकड़ने गए, खेकड़े ने आपको पकड़ लिया? बहुत बहुत बार पकड़ गया है। बहुत बार पकड़ लिया। तो फिर आप क्या करते हैं ऐसे में? वो बहुत बार पकड़ गया तो अभी क्या करेगा? अभी तो पहले मच्छी खाता था। हाँ। वो पहले उसका टांग काट दाछी काटने का। अच्छा। एक एक तोड़ने का, एक काटने का। हाँ। अभी मच्छी नहीं खाता तो क्या करेगा? पूरा अखर कर लेने का। अच्छा, छोड़ेगा वो तो छोड़ता नहीं उसको, तो मांस लगता है ना तो और कट्टा कट्टा रहता है। और एक बार तो ऐसा आर पर हुआ था, इधर से इतना आर पर हुआ था, बड़ा खेकड़ा है ना। हाँ। तो पूरा आर पर हुआ। बड़े में बड़ा कितना खेकड़ा पकड़े हो? तो अभी 2-2.5 किलो का एक चलता है ना वो चिखल के ऊपर। हाँ। तो पाव देख देख के जाने का। तो पर जब जिधर बैठेगा होता वहाँ इधर, तो फिर उसको पहले बाजू बाजू चिखल ऐसा जमा करने का, फिर नीचे से उठाने का, ऊपर फेंकने का, ऊपर फेंकेगा फिर फले का ऊपर रखने का, फिर उसको चुक्कल दबाने का, फिर पीछे ही उसको पकड़ने का। अच्छा, तो आप तो बहुत एक्सपीरियंस हो गए। डर भी नहीं लगता। और जैसे अभी आपके बाद आपके बच्चे करते? हाँ, अभी अभी सब बच्चे, बहुआ और बच्चे संभालते हैं। अच्छा, बहू भी करते? बच्चे भी करते। अभी सब धंधा मच्छी का, खेकड़े का, सब मेरा देने वाला भी ग्राहक, लेने वाला भी ग्राहक, सब वो संभालता है अभी। और आप एक्सपोर्ट भी करते हो ना? हाँ, एक्सपोर्ट हम करते हैं। एक्सपोर्ट में कौन सी कौन सी कंट्री में जाता है? पहला पहला स्टार्ट में चेन्नई में जाता था। अच्छा, बाद में सिंगापुर, हमपम, मनीषा। अच्छा, वो दूसरा सप्लाई। अच्छा, तो आप सप्लाई करते हो किसी और को दे देते हो? पहला दूसरों को देता था। अच्छा, अभी खुद करते हैं। अभी सुभाष ने सब बोझ लिया ना। हाँ। उसने लाइसेंस निकाला, सब कुछ किया, सीख गए ना। अच्छा, सुभाष का लड़का? हाँ, बाहर खड़ा था। अब वो सीख गए तो लाइसेंस वगैरह ले लिए। हाँ, खुद एक्सपोर्ट करते हैं? करते हैं। एक्सपोर्ट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है? नहीं, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। फिर उधर वो बाहर कैसे है, जो नरम कड़क
वो लोग को हिसाब ही निकालता है, वो लोग को हिसाब ही निकालता है। इधर तो आप देखता नहीं, इधर से आप सब पैक सब भेजेगा, इतना माल छोटा बड़ा कड़क नरम ऐसा भेजेगा। वो लोग का जो है नियम, वो लोग का नियम से आप समझ नहीं सकता है। 5 किलो तो 10 किलो लिख के वो फैक्स में देगा कटिंग, अच्छा, वो मिलेगा नहीं। अभी कितना मरा है कितना जिंदा है उसने एक बार लिख के देगा कि इतना तुम्हारा मरा है, मानना पड़ता है। सही बात है। उधर तो आप खुद देख के नहीं, इधर तो हम अच्छा मी कभी भी गिरा को मरेला देगा नहीं। अभी कल मरने वाला वो डालेगा ही नहीं, इधर भी घर में भी आएगा ना तो किसको पोकल नहीं देगा, कड़क देगा। रिस्पेक्ट है यहाँ पर पूरे इंडिया में, कहीं भी आपका नाम चलता है। हाँ, कोई भी घर में आएगा मार्केट में रहेगा तभी उसको अच्छा ही देगा। जो सस्ता खाने वाला है उसको कैसे भी देने का, वो होटल वाला है। अच्छा, आइए पूछना चाहूँगा कि अगर तालाब में इसको पालना रहेगा केकड़े को तो उसको पाल सकते हैं? हाँ, तालाब में पालना होगा तो उसको खाना दो टाइम देना पड़ता है। अच्छा, क्या खिलाना पड़ेगा? वो मच्छी मच्छी पाका हाँ खेमा करके देने का, बारीक बारीक टुकड़ा करने का। एक सुंदर 2 इंच करेगा तो एक केकड़ा लेके जाएगा। वो पाकट है, वो आम है, मुछी है, कौन सा भी रंध वो मच्छी का टुकड़ा मांगता है 1-2 इंच। अच्छा, अकेले नहीं, अकेले एक टुकड़ा लेके भागेगा तो अच्छा है। और बड़ा टुकड़ा में चार आएगा तो एक को एक काट के लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा। तो जो मछली का अपने को कचरा खिलाने का रहता है ना, जो जो समंदर की मछली बाजार रहता है उसमें अपने को वेस्ट मटेरियल जो कचरा मिलता है वो लेके खिला सकते हैं? मछली लेके काटना पड़ता है, मच्छी भी काटना पड़ता है। और जो मच्छी वाले जो काट के रखता है ना बस साइड साइड का, अच्छा, उसका भी लेते हैं। अच्छा, उसका भी टुकड़ों का निकाल के खिलाते हैं। एक केकड़ा 1 किलो का तैयार करने के लिए कितना खर्चा होता है? वो दर दिन 2 टाइम हम हिसाब भी नहीं करता है उसका। अच्छा, नहीं करता। लेकिन जो इसमें जो आता है वो तो अच्छा आता है। हाँ, तो जो थोड़ा कड़क आएगा, कड़क आएगा तो निकालने का, जो नरम रहेगा फिर से छोड़ने का उसको। अच्छा, मतलब नरम रहेगा तो केकड़े को छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। वो कड़क होता है बाद में? हाँ, कड़क होएगा, अच्छा वजन होएगा ना तो निकालने के स्पोर्ट करने का, नहीं तो वो लोग कटिंग करेगा नरम रहेगा उसको भाव नहीं मिलेगा ना। अगर नरम रहेगा अपन उसको छोड़ दिया वापस, हाँ, तो वो कितने टाइम में कड़क हो जाएगा? वो होता है एक 25-30, एक महीना तो लगता है उसको, एक महीने में कड़क, हाँ, कड़क होता है। और आप होटल में भी सप्लाई करते हैं? हाँ, होटल में सप्लाई करते हैं। अच्छा, होटल थोड़ा एक्सपोर्ट का वो नहीं चलता है वो होटल में। अच्छा, कैसा वो आप वो लोग मीट मसाला भर के देता है ना, हाँ, बराबर होटल में, हाँ, वो चाइनीज होटल तो बहुत शाना है। पालता है ना तो यही लोग को मैं होड़ी वाला का लेता है ना, वो पानी वाला रहेगा नरम वो छोड़ने का उसको पालने का। अच्छा, मतलब खेकड़ा छोटा रहा तो आप छोड़ देते हैं, बड़ा करता है कड़क करता है, कड़क करते है। जो नरम रहेगा ना वो बाहर नहीं भेजने का, वो चलेगा नहीं। अच्छा, तो उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, बाहर भेजने क्या फायदा है? नरम कैसे मालूम पड़ता है? उसका ऊपर का शेल तो कड़क रहता है। वो केकड़ा अभी उसने लेके गया क्या? वो वजन कड़क रहेगा ना खाली आप ऊपर हाँ एक किरने है ना वो दबाने, ये कड़क होना मांगता है। हाथ लगाऊं? हाँ। अच्छा, ये कड़क होना मांगता है। हाँ, ये एक किरने में वो नरम। हाँ, और पकड़ने का कैसा, मेरे को ये बताओ, पकड़ने का या अभी नीचे देखो, हाँ अभी चल रहे हैं, उसको पकड़ने का ना पहला इधर पकड़ने का, हाँ इधर पकड़ कर उठाने का, बाद में बांधने का है ना तो उसको फिर नीचे रखने का धोके, ये ऐसा पाव देने का फिर रस्सी बांधने का ऐसा। अच्छा, पैर रख के बांध देने का। हाँ, पैर बांधने के लिए क्या बांधने का आपको? उसका ये वो रस्सी बांधने का, ये रस्सी बांधने का, रस्सी बांधने का। और ये जो दो ऊपर का बांधा हुआ इसको क्या बोलते हैं? वो टांग बोलता है, बड़ा टांग। हाँ, वही काटने वाला है। अच्छा, उसी से काटेगा, बाकी नहीं काटेगा? बाकी नहीं, वो छोटा वाले से नहीं काटेगा, बड़े से काटा है, उसके लिए पहला बड़ा का टांग बांधने का। अच्छा, अभी इसको पकड़ के बताइए, ऐसा पकड़ने का आपको? अभी नरम जो बोले थे ये नरम रहता है। हाँ, एक किरनी, हाँ एक किरनी नरम रहेगा। ये देखो, ये अभी है ना, ये बीच का है ना, हाँ। ये दबेगा ना, हाँ। तो उसमें मास कम रहेगा। अच्छा, ये दबेगा तो मास कम रहेगा, और नहीं दबेगा तो मास फुल, मास फुल है। हाँ, मतलब ज्यादा मास है, ज्यादा मास है, मीठा भी लगेगा। अच्छा, और मास ज्यादा लगेगा।
मैं पकड़ के बताऊं और दूसरे और ये बड़ा वाला ये खुला है ये है ना ये नर है। अच्छा मांदे है। अच्छा अभी मांदे है ना छोटा छोटा देख जल्दी ठीक है। अच्छा नर मादा कैसे मालूम पड़ेगा? ये इसका पर्दा बड़ा है। पर्दा बड़ा है कौन सा वाला है पर्दा? ये पर्दा बड़ा है। अच्छा ये मांदे है नहीं उसका है ना वो देखो दोनों को उसका पर्दा छोटा है। अच्छा ट्रायंगल जैसा बनाया वो? बनाया वो अभी उसका क्या बोलते हैं आम का सब पीछे काट रहा है छोटा है मतलब ये क्या है? नर है। नर है और ये पर्दा बड़ा है? हाँ ये मादा है। अच्छा ये मादा है। अच्छा और ये कितने टाइम में ब्रीडिंग करता है? बच्चे कभी देता है? बच्चे जब भी वो पहला लाल वाला आएगा। अच्छा लाल मंजे ईट आएगा। लाल मंजे ईट ईट आएगा। ईट बाद में उसके अंदर से ईट बाहर इतना गोंडा उसका गाबुल आएगा। अच्छा वो अंडे फूल अंडे आएगा जब लोग कितना हजार अंडे होएगा। अच्छा हजार अंडे देगा और देगा तभी पिल्ली छोड़ेगा। आपके इधर कभी ऐसा हुआ कि अंडे दिया और बस बहुत बच्चे निकले? हाँ हाँ वो है। अच्छा। वो अंडे वाला मिलेगा ना फिर हम समुद्र में छोड़ता है। अच्छा क्या अभी वो अंडे वाला अंडे छोड़ेगा फिर लेता है उसको पर अंडे खाली करना दो ऐसा होता है। उसका तो यही दबाने का वो उसका बीच में दबाने का उसको ये साइड में दबाने का। अच्छा ये बड़ा वाला मारे थी ना बड़ा वाला ये नर है दो दोनों एक साइड ये वाला जो नर है नर है ये मादे मादे इसे कौटी भी बारीक है। ग्राम का रहेगा ये रे एक किलो का रहेगा दो अढ़ाई किलो का पौने तीन किलो पौने तीन किलो। हाँ क्या रेट रहेगा इसका? उसका रेट अभी चार होता होता है अंदाजा अभी अंदाजा है अभी हजार रुपये किलो अभी है हजार रुपये किलो। हाँ ढाई हजार रुपये का अढ़ाई हजार रुपये का। हाँ और ये भी होता है डेढ़ किलो तक होता है तीन किलो तक डेढ़ किलो तक होता है नहीं अभी होगा 800-900 ग्राम होगा 800-900 ग्राम मतलब समझो हजार रुपये के आसपास है ये है। अच्छा समझो ये दोनों जोड़ी मिला के 3-3.5 हज़ार रुपये का हो गया बराबर। अच्छा ये जो दो आँख है इसकी? हाँ वो आँख है ये दोनों आँखें दो का है। अच्छा। दोनों आँखों जो बीच में पेट है उसका आँख के बीच में पेट है अच्छा ये पेट छोटा पेट ये छोटा ही है ये मुँह है उसका उस उधर जो खाना खाएगा ना पेट भी है ना इतना ही है इतना ही बस ज़्यादा नहीं। ये छोटे वाला कितने ग्राम करेगा? ग्राम अच्छा ये 150-200 ग्राम का है ये 400 ग्राम 150-200-400 तो आई ये 400 ग्राम का जो है वो 2.5 किलो का होने के लिए कितना महीना लगेगा? उसको कितने एक साल भी लगेगा एक साल अभी छोटा है। हाँ वो खाल के लिए तो इतना बड़ा होगा फिर खाल का तो और बड़ा होगा। अच्छा ये खाल उतारता है? हाँ उतारता है खाल उतारता है बड़ा होता है। अच्छा ये अच्छा आई ये कितनी बार खाल उतारता है? वो बहुत बार उतारता है उसका पूरा उम्र होना तो बड़ा होना तक उतारता है। अच्छा एक महीने में एक बार खाल उतारता है हर एक महीने में? हर एक महीने में। तो जब ये खाल उतारता है तो इसको दूसरे पानी में दूसरे जानवर भी रहते हैं खाता है पकड़ता है पक्षी खाता है? हाँ वो पत्थर में किसी छुपेगा तो कड़क होना तक नरम रहेगा ना कौन सा भी खेकड़ा का खेकड़ा भी खाता है मच्छी भी खाता है एकदम नरम रहता है ना एकदम छुपता नहीं तो पत्थर में जाके छुपेगा जब तक कड़क होना तक। दूसरा खाल कितने महीने में आता है? वो एक महीने में डालता है वो खाल उतारता है दूसरा आता है दूसरा बार बार जितनी बार खाल उतारेगा उतना बड़ा होता है जैसा खाल उतारेगा वैसे बड़ा बड़ा होता है। अच्छा अभी समझो 200 ग्राम का है फिर खाल उतरेगा 400 ग्राम का होगा फिर खाल उतरेगा तो 500 ग्राम का होएगा। अच्छा जैसे जैसे खाल उतरेगा ऐसा बड़ा होएगा जितना उम्र उसका होएगा पूरा अढ़ाई किलो पौने तीन किलो तीन किलो तक नहीं हो पौने तीन अढ़ाई किलो तक तब तक पूरा कौटी उसका बुढ़ा होता है ना बात में नहीं तो मतलब टांग भी टूटेगा ना टांग भी दूसरा आता है। अच्छा टांग भी दूसरा आता है? हाँ दूसरा आता है उम्र होएगा टांग ना आता है। और ये जो बड़ा वाला खेकड़ा है अढ़ाई किलो का इससे बड़ा रहता है क्या? हाँ इससे बड़ा रहता है ना पौने तीन किलो तक पौने तीन किलो का। हाँ अच्छा उससे बड़ा नहीं होता उसके बड़ा नहीं होता। इसमें और भी वेराइटी आती है ना एक लाल वाला है हरा वाला रहता है ये लाल वाला है ये छोटा अच्छा। ये लाल वाला है ये हरा वाला है ये लाल वाला है। अच्छा ये लाल वाला है? हाँ ये इसका टांग देखो उसका टांग लाल है उसका टांग लाल है इसका रंग हरा है टांग लाल है। हाँ ये हरा है ये हरा है ये हरे में और लाल में क्या फर्क है? उसका है ना चाइनीज खाना है वो है क्या चाइनीज खाने चाइनीज चाइनीज लोग का
अच्छा, ये चाइनीज लोग का है? हाँ, चाइनीज लोग खाता है, खाता है। अच्छा। और ये है नहीं, गांवठी लोग को अच्छा लगता है हरा वाला भी। अभी सब सीख गया, नहीं नहीं अभी सब चाइनीज लोग हो गया। ये हरा वाला जो है ये कौन खाता है, चाइनीज का? नहीं, ये आपको गांवठी लोग, गांवठी लोग लाल वाला, वही लाल, वही लाल। हाँ नहीं, लाल वाले गांवठी लोग जास्त खाता है। लाल वाला गांवठी लोग जाता है, हरा वाला चाइनीज लोग, चाइनीज बाहर जाता है हरा वाला। ये लाल वाला बाहर जाता नहीं, चलता नहीं। अच्छा अच्छा, अगर अपन इसको खोल के रखेंगे तो ये भाग जाएगा, क्या करेगा? मरेगा। खोल के रखेंगे तो? अभी खोल के रखेगा तो भागेगा, रस्सी छोड़ेगा तो भागेगा। हाँ। और काटने के लिए जैसे सांप वैसा डंका मारता है। अच्छा, ये भागेगा? वो ऐसा डंका मारेगा। अच्छा, दोनों पास ही डंका मारेगा। अच्छा, तो इसको बांध के रखना जरूरी है। हाँ, अगर अपन इसको बांध के रखेंगे कितने दिन तक ये बंधा हुआ रहेगा, जिंदा रहेगा? वो जिंदा, उसका थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा, दो चार चार दिन तो जिंदा रहता है। अभी उसको फटका लगेगा, कुछ लगेगा ना तो मर जाएगा। अच्छा, ये सब तालाब में भी रहके मरता है? हाँ, तालाब में मरता है, तालाब में भी मरता है। वजह कुछ है, बीमारी? हाँ, कुछ भी होएगा तो मरता है। अच्छा, तालाब में मरता है सब? पूरा पूरा ये नहीं मिलता है, पूरा नहीं। कितना, 100 में से कितना मिलता है? 100 में से बोलेगा तो 70-80 को 50 मिलेगा। 70-80 मिल जाएगा। हाँ, वो किनारे पर जाके मरेगा, उधर एक कोई झगड़ा होकर काटेगा तो मरेगा। अच्छा, ये कौन सा झींगा है? टाइगर श्रिम, टाइगर प्रॉन्स बोलते हैं ना? हाँ, ये कितने ग्राम का रहेगा? खाल निकाल रहा है? खाल निकाल के बड़ा होता है। अच्छा, खाल निकाल के बड़ा होता है। तो इसको आपने फिश टैंक में रखे हो ना? अच्छा, टैंक में जिंदा रहता है ये? हाँ हाँ, डालो। ये कौन सा है? वरा मासा। ये तो तिलापिया है। हाँ, हाँ, काला मासा, काला तिलापिया। ये कैसा किलो बेचते हैं आप लोग? हाँ, 250 रुपये किलो। हाँ। इतना रेट मिलता है इधर? और ये कैसा किलो? 250। ये भी 250? हाँ। अच्छा, मतलब पीछे पकड़ेंगे तो काटा मारेगा, नीचे पकड़ेंगे तो काटा मारेगा। अच्छा, क्रैब्स के अलावा इनके पास टाइगर प्राउन्स, तिलापिया और भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू।